हेलो एवरीवन, मैं प्रीति, प्रीति मेकअप से। तो गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया क्या यार? नहीं किया तो जाइए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग बोलते दी नोटिफिकेशन नहीं मिलती जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। डियर, तो बिना सब्सक्राइब किए, बिना बेल आइकन को क्लिक किए आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, आप वीडियो को नहीं देख पाओगे। इसलिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा, तभी आपको वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन मिल सकेगी और आप मेरी वीडियो को देख सकोगे, कोई भी वीडियो आपसे नहीं छूटेगी। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि मैं रिक्वेस्टेड वीडियो ज़्यादा करती हूँ, तो यहाँ पे मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर है जो बहुत दिन से बोल रही थी, मेरे पास सारा अरेंजमेंट हो चुका, तो मैंने कहा चलो फटाफट से मेकअप लुक क्रिएट कर देती हूँ। तो ये है येलो लहंगे पे मेकअप लुक, बट ये साड़ी है, मैंने जुगाड़ लगा के लहंगा बना लिया। तो उनकी रिक्वेस्ट भी पूरी करनी थी, तो इस वजह से कुछ तो करना ही पड़ता है ना। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके का मेकअप लुक क्रिएट किया और नथ भी मैंने पहन रखी है, जो समय ट्रेंड में आप चाहो तो आप नहीं भी पहन सकते हो, बट बहुत ही प्यारी लगोगे अगर आप इसे इस तरीके से पहनोगे। तो ज़रूर बताइएगा कि लुक कैसा लगा। तो चलिए, बातें बाद में करूंगी, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करती हूँ। लास्ट में वीडियो ज़रूर देखिएगा, वहाँ मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बताऊँगी। ओके गाइस, सबसे पहले मैं ले रही हूँ एनवाइबे का कंसीलर, इसे मैं अपनी आई पे लगाऊंगी। और आपको मेरे फेस से पता चल रहा होगा कि आज मेरी थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है, तो आई मेकअप से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर गाइस, आज मुझे थोड़ा सा फीवर है, थकान सी लग रही है। आज मैं सुबह से काम में लगी थी, घर की साफ सफाई में। अब इसको मैं अच्छे से सेट कर ले रही हूँ अपने लैक्मे के कॉम्पैक्ट से, जो मेरा फिनिश हो चुका था, ये सेकंड वाला। अभी देखिए, जस्ट आप लोगों के सामने ओपन कर रही है इसका रैपर। तो आपको पता ही कि लैक्मे मेरा फेवरेट है, तो इसको अच्छे से सेट कर लेंगे कॉम्पैक्ट के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, तो इसलिए मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आता है। तो इसको अच्छे से सेट कर लेना है आपको। ठीक है, पैलेट लिया और इसमें से हम ट्रांजिशन सेट पिक करेंगे। ये देखिए, क्रीज लाइन में अप्लाई करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी हम मेकअप का स्टार्ट करते हैं तो ट्रांजिशन सेट से स्टार्ट करते हैं, तो जब भी हम मेकअप स्टार्ट करते हैं तो ट्रांजिशन सेट से स्टार्ट करते हैं। इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। बाद हम ले रहे हैं अपना ये रेड वाला सेट जो मैसी हो चुका है, जिसकी मैंने लिपस्टिक लगाई थी। आपको क्रीज लाइन से लेकर ऐसे हल्के हल्के से आपको अप्लाई करना है। ब्लैक वाला सेट पिक करूंगी ब्रश की हेल्प से। और कुछ इस तरीके से आपको एक शेप दे देना है। इसके बाद आपको हल्के हल्के से इस तरीके से ब्लेंड कर लेना है। क्या करना है, ये फिर से वही रेड वाला सेट लेना है, लिप पे लगा लेना है जैसे मैं लगा रही हूँ। इस तरीके से इसको हल्के हल्के से ब्लेंड लग कर लेना ताकि ये अलग ना लगे। तो ये देखिए किस इस तरीके से आपको लगा लेना है। अब मैं ले रही हूँ एनवाईबी का लाइनर, इतना मैं शेप बना ले रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आप लाइनर लगा सकते हैं। इसके बाद हम ले रहे हैं अपना विल्टन व्हाइट का ग्लिटर आई शेडो, तो वो ये कुछ इस तरह की ये देखिए है। तो चलिए अब हम इसको अप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा लेकर इसको इस तरीके से अप्लाई कर लेना है। और एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जहाँ आपने लाइनर लगाया है वहाँ कोशिश करिएगा कि आप ना लगाएं। अगर आपको लाइनर नहीं लगाना है तो आप वहाँ लगा लीजिएगा। मुझे लाइनर लगा कर रखना, इस वजह से मैं इस तरीके से अप्लाई कर ले रही हूँ, हल्का हल्का सा जस्ट।
और पेंसिल ब्रश से इसको अच्छे से ही लगा लूंगी मैं। बाद अब रेड वाला शेड, मैं लगाऊंगी एनवाईबी का काजल। थोड़ा सा ब्लेंड कर दूंगी काजल को। अब हम अपने आईब्रो को फिल करते हैं। आईब्रो को फिल करने के लिए ये वाला शेड मैं पिक कर रही हूँ। और अब मैं थोड़ा सा कंसीलर लगाऊंगी ताकि हमारी आईब्रो का शेप जो काफी अच्छा दिखे। अच्छे से सेट कर लेना है। तो हमारा ये मेकअप कंप्लीट हो चुका। अब हम थोड़ा सा एक ये हाइलाइटर लगाएंगे। पहले अब हम लगा रहे हैं गुड वाइब्स का मिस्ट अपने फेस पे। डर लगता है कि मेरा मैसी न हो जाए। हम लगा रहे हैं मॉइस्चराइजर लैक्मे का। लगा रही हूँ लैक्मे का फाउंडेशन जो बजट में है, तो वो वाला मेरा फिनिश हो चुका था। और इसके बाद मैं ये अप्लाई कर रही हूँ। हम इससे इस ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं इसको। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वाला ब्रश कितना अच्छा है, इससे आपको ब्लेंडिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ये हर जगह अच्छे से सेट हो जाता है। मतलब आई के पास जैसे पफी ब्रश से मैं ब्लेंड करती थी तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी आई के पास, बट इससे इजीली मैं ब्लेंड कर लेती हूँ। सेट कर ले रहे हैं अपने कॉम्पैक्ट से। इसके बाद में ब्राउनर जस्ट अपने आई पैलेट से इस शेड से करूंगी। बस मैं नोज पे कर लेती हूँ। इसी तरीके से मैं इसको फिंगर से ब्लेंड कर लूंगी। ये देखिए कंसीलर लगा लेंगे। ज्यादा नहीं लगाऊंगी, जस्ट थोड़ा सा। आज मैं साथ ही साथ लगाती जाऊंगी, ब्लेंड करती जाऊंगी। अब ब्राउनर लग चुका और मैं ले रही हूँ ब्लशर के लिए ये वाला शेड। सी ब्यूटी का हाइलाइटर ले रही हूँ, उसमें से मैं ये वाला शेड पिक कर रही हूँ। मेरी अजाबेला डार्लिंग की लिपस्टिक मेरा शेड है 8। आपको पता पहले मैं इसी से लाइनर टाइप का बना लेती हूँ। ये देखिए और अब इसको अप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट। अप्लाई हो चुकी। अब हम लगाएंगे अपनी फॉल्सीज। तो डियर ये रहा मेरा पूरा फाइनल लुक। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई नया मेकअप लुक देखना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो भी बताइएगा। मैं जल्दी कोशिश करूंगी कि वो लुक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर
कर सकूं। और ये लुक कैसा लगा जरूर बताइएगा, कोई भी कमी लगी हो तो वो भी बताइएगा, ठीक है। और इंस्टा टिकटॉक पे फॉलो करना ना भूलिएगा यार, डांस देखना है कि नहीं। तो चलिए मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ। ओके बाय बाय, आई लव यू।